जयपुर के माणक चौक थाना इलाके में स्थित जलेबी चौक में बम होने की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। कुछ मिनटों में पुलिस, एसडीआरएफ, एटीएस, दमकल, सिविल डिफेंस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचकर टीम ने सबसे पहले लोगों को वहां से हटाया, जिसके बाद एक बॉक्स में टाइमर की आवाज़ आ रही थी, जिसे चेक करने के लिए बम निरोधक दस्ता आगे आया। कुछ मिनटों में टीम ने बम को डिफ्यूज़ किया, जिसके बाद पता चला कि यह मॉक ड्रिल है। जिला प्रशासन की ओर से ड्रिल कराई जाती है। मॉक ड्रिल का मुख्य मकसद यह है कि पता चल सके कि जयपुर की फ्रंट फोर्सेज कितनी एक्टिव हैं, जानकारी मिलने पर कितने समय में मौके पर पहुँचती है, पुलिस क्या एक्शन लेती है, ट्रैफिक पुलिस कैसे ट्रैफिक डाइवर्ट करती है, दमकल, एम्बुलेंस, एटीएस, पुलिस, बम निरोधक दस्ता कितनी देर में मौके पर पहुंचता है, जिसे लिखा जाता है। जो डिपार्टमेंट देरी से पहुंचता है उसके आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।